हेलो एवरीवन यू आर वेलकम टू क्लास और आज की क्लास में हम कुछ जो पहाड़ियाँ इम्पोर्टेंट पहाड़ियाँ हैं उनको हम देखेंगे और सबसे पहले क्या करना है आप लोगों को कि वैसे मैं आप लोगों को दोनों चीज़ें दे रहा हूँ यहाँ पर अगर आप देखेंगे और इन्हें ज़ूम करके देखेंगे तो आप लोगों को आइडिया आ जाएगा कि कौन सी चीज़ कौन सी पहाड़ी कहाँ पर है लेकिन सबसे जो दिक्कत वाली बात होती है वो होती है कि हमें पता नहीं होता कि कौन सी पहाड़ी का नाम क्या है तो सबसे पहले हम इस चीज़ को कर लेते हैं कि जो बेसिक है बेसिक ये है कि हमें सारी जो पहाड़ियाँ हैं उनके नाम याद हो जाने चाहिए अब इसमें दो तीन तरह के क्वेश्चन आते हैं हम उनको बाद में डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले ये जो फार्मूला है आप लोगों का वो कहाँ से शुरू हो रहा है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ तो फार्मूला आप लोगों का यहाँ से शुरू हो रहा है ननकू ठीक है और ननकू एक्चुअल में वन ऑफ माय ब्रदर भाई का नाम है छोटे भाई का मामा जी के बेटे का और इसमें क्या है कि इसलिए मैं इसको ज्यादा कनेक्ट कर पाता हूं तो आप लोगों को भी इसी तरह से याद रखना है कि जो ये ननकू है ये किसी का नाम है अब ननकू से क्या है कि पहला एन से नामचा बरवा है फिर ए पी है फिर नंदा देवी और के टू है अब इसको शॉर्टकट याद करने का तरीका क्या है कि आप लोग यहाँ से शुरू करेंगे ठीक है यहाँ से सॉरी यहाँ से ठीक है तो फोर फोर का ग्रुप बना के बनाते हुए आप चलते रहेंगे यहाँ तक ओके फोर का ग्रुप यहाँ पे है फोर का ग्रुप यहाँ पे है फोर का ग्रुप यहाँ नीचे को है ठीक है वन टू थ्री फोर आप देख सकते हैं तो सबसे पहले आपका नामचा बरुआ हो गया फिर ए पी हो गया फिर नंदा देवी हो गया फिर के टू हो गया तो यहाँ तक हम लोग पहुँच गए हैं इसके बाद है आप लोगों का एवरेस्ट कंचनजंगा अन्नपूर्णा और एक अध्याय ठीक है तो एक अध्याय को एक्चुअल में आपको सिर्फ यहाँ पे ये याद रखना है कि ये अपोजिट किया हुआ है अपोजिट का मतलब क्या है कि देखिए वन टू थ्री एंड फोर यहाँ तक तो uh, के टू तक आप लोग पहुँच गए ननकू से अब यहाँ से शुरू करना मैं ये कंचन जंगा है आपका ये अगर आप देखेंगे और इसके बाद आप लोगों को जो ये फोर मार्क्स आप लोगों को दिखेंगे यहाँ तक ऊपर तक ठीक है यहाँ तक तो पहला क्या है आप लोगों का इसे हटा देता हूँ यहाँ से दोबारा शुरू करते हैं यहाँ से क्या है आप लोगों का ये हो गया आपका ननकू यहाँ से शुरू कर रहा हूँ ठीक है नामचा बरवा हो गया उसके बाद जो सेकंड है वो है आपका ए पी और तीसरा जो है आपका डॉट वो है आपका नंदा देवी और चौथा जो है वो आप लोगों का क्या है के टू अब यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है क्योंकि कई हो रहा था इसलिए एक बनाने के लिए मैंने इसको अपोजिट कर दिया है तो पहले क्या आएगा आप लोगों का कंचनजंगा आएगा और उसके बाद आप लोगों का एवरेस्ट है जो ये चौंच है उसके पास जो है वो उत्तराखंड वाली चोंच ठीक है तो यहाँ पर आप लोगों का क्या है एवरेस्ट uh, है तो कंचनजंगा एवरेस्ट हो गया आप लोगों का फिर अध्याय से अन्नपूर्णा है उसके ऊपर चलेंगे तो ये तीसरा जो है वो आपका अन्नपूर्णा है और फिर आप लोगों की है ऊपर धौलागिरी यहाँ पे आप लोगों को धौलागिरी मिलेगा अब अगर इसे हम थोड़ा यहाँ पर मैप में देखने की कोशिश करेंगे तो हमें चीज़ें दिखाई देंगी चलिए इसको बाद में देखते हैं पहले इसी को कंप्लीट कर लेते हैं यहाँ तक हमें याद हो गया है नन को एक अध्याय कल जा पी ठीक है कल जा पी और एज सुन एज पॉसिबल नला जवान नीला अन्ना ये क्या है हम लोगों का शॉर्टकट है पूरा अगर हम इसको प्रैक्टिस करना है हमें तो बार बार हमें इसी तरह से प्रैक्टिस करना है कि नन को एक अध्याय एक अध्याय का मतलब अध्याय एक्चुअल में जो पीने वाले शराब पीते हैं तो वो अध्याय हाफ को बोलते हैं हाफ बॉटल को ठीक है तो एक अध्याय से आप लोगों को इस तरह से दिमाग में बैठाना है फिर है आपका कल कलजापी पी और उसके बाद है आप लोगों का एज सुन एज पॉसिबल और फिर नल्ला जवान नल्ला नीला आना तो नाम याद हो गए धौलागिरी तक अब कल जा पी ये जो आप लोगों को चार यहाँ पे दिखाई दे रही लाइन से इसी तरह से आप लोगों को याद रखना है कराकोलम कराकोरम लद्दाख जास्कर और पीर पंजाल ये चारों के चारों आप लोगों को जम्मू कश्मीर यहाँ पे याद रखना है कराकोरम हो गया लद्दाख हो गया जास्कर पीर पंजाल ठीक है उसके बाद ये जो चार हैं ये चार आप लोगों के इंपॉर्टेंट है फिर जिसमें अरावली सतपुड़ा अजंता और पश्चिमी घाट ये आप लोगों को याद हो जाएंगे अरावली की पहाड़ियाँ सतपुड़ा की एज सून एज पॉसिबल बोलते हैं हम इस तरह से एज एज पॉसिबल आप लोगों को इस तरह से ये याद हो जाना चाहिए उसके बाद आ जाते हैं ऊपर की तरफ को नल्ला जवान नीला अन्ना तो वो चार हो गए आप लोगों के यहाँ पे देखिए ये तीन हो गई और एक साइड में है चार तो ये नला मला की पहाड़ियाँ हैं आपको नला मलाई की फिर जवान से जावड़ी की पहाड़ियाँ फिर नीला अन्ना नीलगिरी की पहाड़ियाँ और फिर अन्ना मलाई ये हो गया आपका यहाँ पर ठीक है तो इतना आप लोगों को याद हो गया फिर आपको क्या करना है मी क्यूब या मी मी ब मी याद रखना है तो इसमें आप लोगों की हो गई मिशमी की पहाड़ियाँ मिकिर पहाड़ियाँ बराइल की पहाड़ियाँ और मीजो पहाड़ियाँ ये चारों आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएंगी नीचे ये आप लोगों को मिल जाएंगे ठीक है तो ये चारों आप लोगों को लाइन से यहाँ पर मिल गई अब चलते हैं नीचे जो मैप है आप लोगों का तो नन को एक अध्याय कलजा पी और नीला नन को एक अध्याय कलजा पी और फिर उसके बाद था एज़ सुन एज़ पॉसिबल और नल्ला जवा नीला अन्ना ठीक है मी मी ब मी तो यहाँ से हम लोग इसे जब आप लोग इसे जूम करेंगे तो एक तरह से एक तरफ से आप लोगों को सारे दिखाई देंगे ठीक है यहाँ से देखते हैं ऊपर अगर आप टॉप पे देखेंगे थोड़ा सा ये क्योंकि बड़ी पीडीएफ है इसलिए थोड़ा टाइम लेती है अगर इसे जूम करना है तो ज़ूम आउट होने में थोड़ा टाइम ले लेती है तो यहाँ से देखेंगे आप ये देखिए आप लोगों का ये है आप लोगों का नामचा बरवा ठीक है तो ननकू से आप लोगों को याद करना है आप अपने फ़ोन में इसे और ज़्यादा ज़ूम करके पढ़ सकते हैं तो ये हो गया आपका नामचा बरवा उसके बाद ननकू तो उसके बाद आपका ए से हो गया यहाँ पे लिख लेता हूँ ननकू ठीक है नन को ठीक है तो ये आपका एन ए एन के याद रखना आपको तो ये हो गया आपका ए पी फिर हो गया आपका नंदा देवी और के से क्या था आप लोगों का के टू तो के टू आप लोगों का यहाँ पर है आप देखते हैं कल जा पी कहाँ पर है तो ये कल ये हो गया और जा पी पीर पंजाल श्रेणी तो अगर आप लोगों ने मैंने पहले से ही आप लोगों को बता चुका हूँ कि आप जब देख रहे होंगे इसको तो आप लोगों को लोकेशन ऑलरेडी पता चल रही होगी कि अरुणाचल प्रदेश में आपका नाम बरवा अरुणाचल प्रदेश में हो रहा है के टू आपका ऊपर कश्मीर में हो रहा है ठीक है इस तरह से आप लोगों को पता चल रही होंगी चीज़ें अब यहाँ बीच में आ जाते हैं थोड़ा सा इसे फिर से जूम कर लेते हैं और फिर इसको देखते हैं उससे पहले हम एक चीज और देखना यहां पर भूल गए कि यहाँ पे चार पहाड़ियां और हैं ठीक है ये धौलागिरी है ये अन्नपूर्णा है ये माउंट एवरेस्ट है और ये कंचनजंगा है तो एक अध्याय अब यहाँ पे देखिए मैंने कहा था ना एक तो एक का आप कई बना देंगे यहाँ पर ठीक है कई तो एक ये एवरेस्ट हो गया और ये कंचनजंगा हो गया अध्याय अवैसे अन्नपूर्णा और ये हो गया आपका धौलागिरी ठीक है तो धौलागिरी आपको ये चार याद हो गए होंगे तो ये चार चार के ग्रुप में आप लोगों को इसी तरह से याद करते हुए चलने हैं अब इनसे फ़ायदा क्या होगा कि अगर आप इस तरह से याद करेंगे एक तो आप लोगों को नाम याद हो जाएंगे टोटल जब नाम याद हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं आप फेमेलियर हो जाएंगे चीज़ों से अब शुरुआत करने में दिक्कत यही है कि बहुत सारी चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती हैं लेकिन अगर आप लोगों को सिर्फ़ ये नाम भी याद हो गए तो आगे जो आप लोग पढ़ेंगे जियोग्राफी में तो आप लोगों वो चीजें समझ में आ जाएंगी अब बात आती है एच सुन एज पॉसिबल की तो ये तो हो गया आपका एच सुन तो अरावली की पहाड़ियां ये हो गई आपकी अब आप देखते हैं सून सून से आपका सतपुड़ा था तो ये हो गया आपका सतपुड़ा पर्वत श्रेणी ये देखिए ठीक है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी इसके बाद कौन सी थी अजंता ए से अजंता हो गया आपका और फिर नीचे की तरफ आपका ये पश्चिमी घाट नीचे तक चलता है आपका ठीक है पश्चिमी घाट हम लोग देख लेंगे नीचे तक चलता जाता है अगर आप ये देखना चाहते हैं तो ये आप लोग पढ़ सकते हैं यहाँ पे ये पश्चिमी घाट है पूरा नीचे तक ठीक है तो अगर हम इसको देखें यहाँ पर तो हमें ये अरावली तो यहाँ पे पता चल गया है ठीक है अरावली के बाद आप लोगों का जो दूसरा था वो है आप लोगों का सतपुड़ा ये है ठीक है और तीसरा आपका अजंता ये है और पॉसिबल का पी ये नीचे को चला गया अब इसके बीच में अगर आप लोग कुछ चीज़ें और याद कर सकते हैं और देखना चाहते हैं तो आप लोग क्या कर सकते हैं चीज़ों को देख सकते हैं कि जैसे सतमाला पर्वत श्रेणी कहाँ पर है तो अजंता के बगल में ही है आप लोगों का मतलब सतपुड़ा और सतमाला लगभग एक जैसे सतपुड़ सतपुड़ा और सतमाला एक सामने है आप लोगों की ठीक है और उसके अलावा महादेव की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं आप लोगों की यहीं पर यहीं पर है विंध्याचल पर्वत श्रेणी भी कहाँ पर है आप लोगों का यहीं पर है अरावली विंध्याचल तो आप लोगों को जब चार याद हो जाएंगे तो उसके बीच बीच में आप लोग लिख कर याद कर सकते हैं अब नीचे आ जाते हैं जो मैंने आप लोगों को बताई थी नीचे की चार पहाड़ियाँ हम लोगों ने देखी है तो चार पहाड़ियाँ कौन कौन सी हैं नलामलाई जावड़ी नीलगिरी और अन्नामलाई ठीक है तो उन्हें आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो ये नीलगिरी ये रहा ठीक है और नीलगिरी की जो सबसे बड़ी चोटी है ऊंची चोटी है वो दोदा बेटा है ये आप लोगों को याद रखना है ठीक है तो नीलगिरी का दोदा बेटा मतलब दूध पीता हुआ बेटा किसका है नीलगिरी का क्या है आप लोगों को ध्यान रखना है ये आप लोग रिपीट कर सकते हैं बार बार याद कीजिए कि एक दूध पीता हुआ बच्चा किसका है तो नीलगिरी का बेटा है वो ठीक है तो नीलगिरी का दोदा बेटा नीलगिरी का दोदा बेटा नीलगिरी का दोदा बेटा इस तरह से बोलेंगे आप लोग याद रहेगा आपको नीलगिरी के जो सबसे ऊँची पहाड़ी है वो दो दोदा बेटा है अब उसके अलावा आपका अन्नमलाई की पहाड़ियाँ यहीं पर आप लोगों को मिल जाएंगी ठीक है अब जावड़ी की जवान से जा आ गया आपका और मलाई की नल्ला मलाई की हो गया तो नीला अन्ना सॉरी नल्ला जवान नीला अन्ना नल्ला जवान नीला अन्ना तो वो ये चारों हैं इसके अलावा आप लोग जब चार याद हो जाएंगे आप लोगों को तो शेवा रॉय की पहाड़ियाँ भी आप लोगों को यहीं पर कहीं पर मिल रही है तो आप लोगों को याद हो जाएगा ये भी उसके अलावा कार्डमम की पहाड़ियाँ ये कार्डमम की पहाड़ियाँ किसके बगल में हैं अन्ना मलाई के अन्ना अन्ना को क्या है कार्डमम खाना पसंद है तो कार्डमम की पहाड़ियाँ याद कर लीजिए तो साथ में हो जाएगी ठीक है और जो नल्ला मलाई है वो शेवा करता है तो शेवा रॉय की पहाड़ियाँ यहीं पर हैं आप लोगों की तो ये आप कोरिलेट कर लेंगे बाद में जब आपको इतनी चीज़ें याद हो जाएंगी ठीक है तो इसके साथ ही हम लोगों ने इतनी जो पहाड़ियां हैं वो टोटल कर ली हैं अब कई चीजें इस इनसे याद हो जाती है हमको जैसे क्वेश्चन आ जाएगा कि जो जावड़ी की पहाड़ियां हैं ये महाराष्ट्र में है या बिहार में है या कश्मीर में है या या तमिलनाडु में है तो क्या होगा कि आपको कहीं ना कहीं ये पिक्चराइजेशन से याद रहेगा कि ओके कहीं नीचे है ये तो तमिलनाडु में ही हो सकता है ठीक है तो ये आप लोगों का फ़ायदा है या आप लोगों को क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि जो आप लोगों की अरावली की पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ पर हैं ठीक है थीके? तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि ऊपर आप लोग ये राजस्थान का आप लोगों का इलाका हो जाएगा तो राजस्थान में है तो बस सिर्फ एक पिक्चराइजेशन से आप लोगों को पता चल जाएंगी चीज़ें कि आ, कौन सी चीज़ कहाँ पर है तो आप लोग ये याद कीजिए इससे रिलेटेड जैसे कुछ नदियाँ हैं वगैरह हैं हम आगे जाके उन उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे तो मिलते हैं अगले लेसन में तब तक के लिए गुड बाय